हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 का पहला पेपर जो एफकेट का हुआ है, उसके 17 फरवरी के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैथ के यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ, 16 फरवरी के एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड कर दिया मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर 18 फरवरी के भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और 2 से 4 मिनट के लिए मैं इंट्रोडक्शन जरूर आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको कंप्लीट इसके हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे वन बाय वन चेकआउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप एफकेट फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो, लाइक 2024 का सेकंड पेपर या फिर 2025 के पेपर के बारे के लिए, तो उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को लगा सकते हैं जिसमें एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारी अवेलेबल है, ठीक है। इसका बेनिफिट आप सारे यहाँ पर ईयर वाइज ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेकआउट करना चाहते हो एफकेट के, तो उनका भी लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, या फिर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको PYQ मिल जाएंगे यहाँ पे ईयर वाइज सारे के सारे एफकेट के। इसके अलावा आपके लिए फिरदौसी बैच है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। जहाँ पे भी अर्थमेटिक आएगा आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर के लिए सीखना चाहते हो मैथमेटिक को, ठीक है। अगर हम आज के पेपर की बात करें तो जिस भी शिफ्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है, तो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि 18 या 19 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फिरदौसी बैच से आए हुए हैं। अगर आपको इसका बेसिक आता है फिरदौसी बैच के अंदर जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो आपका ये 18-20 क्वेश्चन आपके 18-19 क्वेश्चन आपके इजिली यहाँ पे बन जाएंगे एफकेट के, ठीक है। और ये ट्रेंड आपका फ्यूचर में भी रहेगा क्योंकि फिरदौसी बैच काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी इंक्वायरी होगी, जो आप पूछना चाहते हैं, वो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो पूछना है वो डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एफकेट के रीजनिंग के कोर्स के लिए, आपके लिए अलग से एक रीजनिंग का कोर्स है, यहाँ से आप रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। एफकेट का मैथ का कोर्स है, यहाँ से अगर और मैथ की प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। एफकेट के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, CDS के मिल जाएंगे। CDS के लिए आपको सर्ड एंड डाइसेस, नंबर सिस्टम, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ऐसे काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, जो काफ़ी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला है एफकेट वालों को, CDS वालों को भी मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि एफकेट वाले के जो क्वेश्चन है उनको आप ट्राई किया करो, क्योंकि अगर आप एफकेट वाले स्टूडेंट की बात करेंगे, इस पेपर के अंदर भी 17 फरवरी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन SSC से डायरेक्ट पूछे गए हैं, उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं है, ठीक है। सो मतलब कहने का ये हुआ है कि अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो तो SSC, बैंकिंग, जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं कहीं से तैयारी करते टाइम, आप उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। अगर बात करें CDS वाले स्टूडेंट के लिए, तो अगर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी आए हैं वो CDS के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आपका यहाँ पे माइंड सेट करेंगे कि इतना हाई लेवल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको रेलवे के क्वेश्चन हो गए, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको PYQ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, और आप गूगल से PDF वगैरह डाउनलोड करके उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, 4 आउटलेट है, 4 पाइप हैं, उनके यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है। और ये पूछा गया है कि अगर चारों के चारों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम के अंदर टैंक फिल कर सकते हैं। अगर ए पहले 3 12 घंटे के अंदर टैंक फिल करेंगे, नेक्स्ट लास्ट वाले 3 15 घंटे के अंदर, और A and D 20 घंटे के अंदर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच होती है इन तीनों का एलसीएम, दैट इज ए 60। तो मान लेंगे कि जो टैंक हमारे पास है वो 60 लीटर का है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ आवर लिख लेते हैं घंटों के अकॉर्डिंग। सो अगर हम मेरे पास 60 लीटर ABC 12 घंटे में फिल करेंगे, तो इसको एफिशिएंसी हम यहाँ पे 5 मान लें, क्योंकि अगर 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तभी 12 × 5 करने पे 60 आएगा। अब इसके लिए आपको फिरदौसी बैच में जाके पाइपलाइन सिस्टम को सीखना पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा, ठीक है। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, 20 को 60 से करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास ABC, सारे बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करें, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट समझाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ABC की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, फिर हमारे पास यहाँ पे BCD की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 4 है, और लास्ट में A+D की एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ पे 3 है। जब भी हमें यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मेट आएगा तो इसको आप यहाँ पे जोड़ घटाओ कर सकते हो, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 12 15 20, इसको आप यहाँ पे जोड़ घटाओ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है ABC और D। अगर मैं चेक करूँ तो ABC तो हमारे पास था ही यहाँ पे, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ एक और नंबर चाहिए, दैट इज ए D। अब इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि D हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर।
कई बार बच्चों को लगता है कि काफी इजी क्वेश्चन आप इजीली फॉलो कर सकते हो सकता है मान लो मैं इसको थोड़ा लेंथी यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और जल्दी से कंसेप्ट आए आप उसको सॉल्व करें, बट बेसिक आपको समझा देता हूँ कि फ्यूचर में अगर मान लो इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फर्स्ट में से अगर सेकंड को बाहर करें तो आपके पास आएगा यहाँ पर ए प्लस पी प्लस सी, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर, तो बी और सी यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास आएगा ए माइनस टी इज इक्वल टू वन। सो यहाँ पर आपके पास आया है ए माइनस टी इज इक्वल टू वन। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, अब मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ फिर से माइनस कर लेता हूँ, माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, हमारे पास आएगा टू डी इज इक्वल टू टू, और डी की एफिशिएंसी यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगी वन। अगर हम बात करें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है फाइव है, इन तीनों की अगर एफिशिएंसी फाइव है तो डी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास वन, तो ओवरऑल कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है हमारे पास इनकी सिक्स। अगर छः की एफिशिएंसी से साठ काम करना होगा तो कितना टाइम लगेगा इनको, 10 घंटे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। 18 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज, 18 मैंने यहाँ पे बात कर रहे हैं, 18 मैन अगर 14 दिन के अंदर काम खत्म करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 18 इंटू 14 करके हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे कंडीशन दे रखी है हमारे पास यहाँ पे थ्री वुमेन डू एज मच एज वर्क एज टू मैन। सो इसका मतलब होगा हमारे पास यहाँ पे थ्री वुमेन इज इक्वल टू कितना होगा टू मैन, और वुमेन को अगर मैं यहाँ पे मैन से डिवाइड करूंगा तो इनकी रेशियो आएगी 2:3, और इसी को आप यहाँ पे अगर रेशो में ऐसे लिखेंगे तो इसको बोला जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, काम करने की कैपेसिटी को बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 18 मैन है, अगर मैं 18% की बात करूंगा 18 तो ठीक है, एक मैन की एफिशिएंसी यहाँ से आप फाइंड करेंगे 3 है, तो टोटल 18 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 54, और यहाँ पे काम कितने दिन किया, यहाँ पे 14 दिन काम किया तो काम टोटल इतना हो गया होगा, जो भी काम आया होगा वो इसके आसपास इसके बराबर आया होगा। ठीक है, अब ये काम हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ये काम हमारे पास होना चाहिए 5 मैन, तो 5 मैन तो ठीक है, मैन की एफिशिएंसी कितनी मेरे पास यहाँ से फिर से पिक कर लेंगे दैट इज ए 3। ठीक, प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 6 वुमेन है हमारे पास, टोटल 6 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये टोटल एफिशिएंसी कितने दिन तक काम करवाया इनसे 4 दिन तक, तो इनका काम इतना हुआ होगा, और अलग से क्या लिखा हुआ है प्लस सब्सिक्वेंटली 3 more men join, मतलब पहले पर्सन कितने थे 5 थे, अब कितने हो गए टोटल 8 पर्सन हो गए, 8 मैन हो गए, तो 8 मैन की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास वुमेन कितनी है, वो तो 6 की 6 ही है हमारे पास यहाँ पे, तो 6 वुमेन है, तो 6 एक मैन एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, तो इन्होंने यहाँ पर मिलकर कितने दिन और काम किया वो हमें फाइंड करना है, और लास्ट में पूछा गया टोटल डेज कितने होंगे। क्लियर, so now we have to calculate this, that is 18 multiplied by 3 multiplied by 14 which is equal to, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15, और ये कितना हो जाएगा 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 54 108, क्लियर, एंड दैट इज 24, और ये कितना हो जाएगा 12, ये ऐड करेंगे टोटल ये आ जाएगा मेरे पास 36x। और अगर हम इनमें से कॉमन निकालना चाहते हैं आप कॉमन फाइंड करके भी इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे 36 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 14, वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें से 36 को कॉमन निकालोगे ये आ जाएगा मेरे पास 3+x। अब 18 हमारे पास जो है इससे कट जाएगा 2 बार, और 9 के टेबल के ऊपर ये 4 बार कट जाएगा, 4 हमारा इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा 7, तो ये आएगा मेरे पास 21 = 3+x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इसमें से आप लेकर इधर माइनस करोगे तो वो आएगा 18। अब हमारे पास जो इसको काम करने के लिए यहाँ पे दिन लगे हैं वो मेरे पास कितने दिन लगेंगे, टोटल 18, और 4 दिन यहाँ पे लगे थे, 4 डेज हमारे पास अलग से लगेंगे, तो टोटल कितने दिन लगेंगे यहाँ पे 22। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। इफ द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख फॉर 2 ईयर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर मैं पेपर की बात करूं तो आज जो पेपर आया था वहां पे 2 ईयर नहीं है, पहली बात तो 1.5 ईयर पूछा गया, बट अगर 2 ईयर होगा 1 ईयर होगा तो कैसे हम कर सकते हैं वो सारा चेकआउट कर लेते हैं, और इसके लिए मैं आपको बेसिक बताऊंगा ट्री मेथड, हालांकि हम बिना ट्री मेथड के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको 10% का 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैंने आपको फिरदौसी बैच में उसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्री मेथड के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है वो 1 लाख है,
ठीक है, और 4 साल की इसके ऊपर ट्री लगेगी। 4 साल क्यों? क्योंकि टाइम आपके पास कितना है यहाँ पे, टाइम आपके पास 2 2 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास यहाँ पे 20% है। बट ध्यान रखें यहाँ पे हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने के बाद आपको वैल्यू मिल जाए, ठीक है। सो अगर 2 साल है तो 2 साल के अंदर टोटल 6 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार, और ये पर एनम का इंटरेस्ट है। 1 साल में आपको 20% मिलेगा, तो 6%, 6 महीने में आपको इसका हाफ मिल जाएगा 10%, क्योंकि 12 महीने में 20 होगा तो 6 महीने में 10% होगा। सो अब इसके लिए मैंने इसकी यहाँ पे 4 ट्री बनाई है। पहले साल के लिए इसका आपको 10% यहाँ पे देना होगा, तो इसके 10% मतलब एक यहाँ पे 0 हमारे पास कम हो जाएगी, दैट इज 10,000। फिर आपको दूसरे साल के लिए पहले इसके ऊपर 10% देना पड़ेगा, दैट इज 10,000। फिर इसके ऊपर 10% देना पड़ेगा, 1,000। फिर ऐसे आपको थर्ड के ऊपर 10% देना पड़ेगा, दैट इज 10,000। फिर इसके ऊपर 10% आएगा, 1,000। फिर इसके ऊपर 10% आएगा, 1,000। फिर इसके ऊपर 10% देना आएगा, 100। ऐसे लास्ट में आपको 10% इसके ऊपर देना पड़ेगा, फिर से आएगा मेरे पास यहाँ पे 10,000। इसके ऊपर आएगा हमारे पास यहाँ पे 1,000, और फिर इसके ऊपर भी आएगा यहाँ पे 1,000 के 2 और, ठीक है। और ऐसे आपके पास 1, 2, 3 3,000 है, 3,000 का डायरेक्ट आपको 10% लिख रहा हूँ, बाकी आप एक एक करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 3,000 का 10% हो जाएगा 300, इसका 10% आएगा 10। अब आपसे क्या पूछा, क्या हुआ है, उसने पूछा इंटरेस्ट बताओ। याद रखना इस बात को, जो हमारे पास ये पूरा का पूरा डब्बा होता है, इसको आप ऐड कर लेना आप खुद ही, तो यहाँ पर ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐड मैं कर ही देता हूँ वैसे, 10 यहाँ पे 20, 30, 40, 40,000 हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,000 हो गया अलग से, और यहाँ पर आएगा हमारे पास टोटल 400 अलग से। मतलब हमारे पास यहाँ पे 10,000 तो एक हो गया, फिर 6,000 एक हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 10,000 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे 40,000 था, ठीक है। 40,000 ये हो गया, 6,000 ये हो गया, और ऊपर से 410 अलग से। अगर मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा 46410, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पहला डब्बा होगा। अगर पहले डब्बे में से यहाँ पे इस पहले बॉक्स को ही सिर्फ ऐड कर ले, इसको बोल दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और जो नीचे बचा हुआ मटेरियल है, बचे हुए को बोला जाएगा CI-SI। इसलिए आपको ट्री मेथड आना जरूरी है अगर आप ऐसे वाले क्वेश्चन करना चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। टोटल हमारे पास 4 मशीन है, जिसमें से यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे फॉल्ट है, खराब है, और उन्होंने टेस्ट करना है 1 बाय 1 को, रेंडमली ऑर्डर करना है, और ये फाइंड करना है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो खराब मशीन है, फॉल्टी मशीन है, वो कौन कौन सी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही ऐसे टेस्ट होंगे, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि यही मशीन क्या है, खराब है। काफी आसान क्वेश्चन है, बट काफी बच्चों को ये भी क्वेश्चन नहीं समझ आया। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 मशीन है, 4 में से ऐसा हो सकता है, सारे बच्चे इसको अंडरस्टैंड करें कि पहला केस क्या बनेगा, ठीक है। पहला केस मेरे पास ये 2 टेस्ट ही नीडेड है हमारे पास। पहला केस हमारे पास ये बन सकता है कि दोनों की दोनों, जो हमने यहाँ पे 2 मशीन है, टोटल 4 मशीन है, 4 मशीन में से हमने एक मशीन ऐसा उठाया, 4 में से हमने कोई भी एक मशीन ऐसी उठाई जो कि यहाँ पे खराब है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, और फाइंड ट्राई करना चाहो तो क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। सो यहाँ पे टोटल 4 मशीन है। इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी एंड दे आर टेस्टेड 1 बाय 1 इन ए रैंडम ऑर्डर टिल बोथ द फॉल्टी मशीन आर आइडेंटिफाई, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड टू फाइंड। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेस्ट आपके पास है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मशीन यहाँ पे खराब है, वो फाइंड हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे पास होता है फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। सो टोटल केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 4 मशीन है, 4 मशीन में से आपके पास फॉल्टी मशीन कितनी है यहाँ पे 2, तो हमें फेवरेबल केस यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला टेस्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट, पहला टेस्ट निकल गया कि हमने 4 में से 2 यहाँ से बाहर निकालनी थी, एक हमारी जो भी होगी उसका केस हमारा निकल ही जाएगा कि ये प्रॉबिलिटी इसकी आ चुकी है। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको यहाँ पे, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, एक बार आप नेक्स्ट स्टेप से समझें कि हमारे पास 4 यहाँ पे मशीन थी, यहाँ से प्रॉबिलिटी से एक मशीन का आइडेंटिफाई हो ही जाएगा कि 2 मशीन हमारी खराब है। हमारे पास एक केस बन गया, तो टोटल केस कितने बच गए, अब 3। तो 3 में से अब हमारे पास एक खराब मशीन तो यहाँ पे निकल गई, तो अब हमारे पास मशीन और कितनी खराब है, एक ही और है, तो फेवरेबल केस उसके इतने होंगे। तो यहाँ से आपको दूसरी केस के अंदर दूसरी भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 3 में से 1 केस मेरा ऐसा बनेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे भी खराब मशीन है, यहाँ पे भी खराब मशीन है, तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 बाय 6,
और ये हमारे पास आएगा कि हमारे पास ये मशीन और ये मशीन का कंबाइन प्रोबेबिलिटी, तो कंबाइन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एक हमारे पास ये केस बन गया जहां पर आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मशीन खराब है। इसमें से आपने यहाँ पे दो टेस्ट यहाँ पे लिखे थे, दो टेस्ट आपने की, बट ये इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि दूसरा केस भी तो आपके पास बनेगा। ये तो केस नंबर वन है, ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ये भी तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि टोटल चार मशीन है, उसमें से दो हमारे पास ठीक है। अगर दो ठीक है तो दो खराब वाली बाहर निकल जाएंगी। अगर इसमें से चार में से हमारे पास यहाँ पे एक केस हमने निकाल लिया कि जो सही है, तो बाकी कितनी बचेगी, तीन मशीन। तीन में से एक हमारा और केस बनेगा जो कि सही मशीन का होगा, ठीक मशीन का होगा, तो इनको भी कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपकी सही मशीन आ जाएगी। और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/6। और या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, अगर बीच में और आएगा तो हमेशा प्लस का सिंबल होता है, तो प्लस करेंगे इन दोनों को, आपका सही उत्तर आएगा 1/3। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड इन द स्टिल वाटर। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको फिर दौसी बैच में करवाया हुआ है, इसका बेसिक भी समझाया हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट इसके दो तरीकों से मैंने समझाया हुआ है, तो हम इसका डायरेक्ट शॉर्टकट के ऊपर आ रहे हैं अभी के लिए। अगर हमारे पास 30 है यू है और 44 डी है, और इसको टोटल 10 घंटे लगते हैं, लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है 40 यू है और 55 डी है, और इसको टोटल यहाँ पे 13 घंटे लगते हैं। अगर फिर दौसी बैच लगाओगे तो इसके आपको यही क्वेश्चन वहाँ पे सेम एज इट इज मिला होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के चार पांच कॉन्सेप्ट है वही बार बार रिपीट होते हैं हर पेपर में, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। जिन बच्चों को याद होगा वो डायरेक्ट आंसर भी मार्क करके आए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच ये है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ आर फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे डी होता है, डी डाउन स्टीम वाला, डाउन स्टीम वाले को आपने इनका और इसका एच सी एफ लेना होता है, तो 44 और 55 का एच सी एफ कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 11, तो डायरेक्ट हमारे पास 11 किलोमीटर पर आर की स्पीड हमारे पास आ जाएगी डी। ये इसका शॉर्टकट है, कब लगता है, जब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती तब। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था जो कि सभी कंसेप्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इसको अगर 11 किलोमीटर के हिसाब से जाना है, तो सब बच्चों को ये पता चल गया होगा कि 55 किलोमीटर जाने के लिए अगर 11 की स्पीड से जाओगे तो टोटल 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे नहीं, इसको 13 घंटे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि 8 घंटे इसको अपर स्टीम में लगे होंगे। अगर 8 घंटे में आप 40 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 घंटे में कितना जाओगे, 5 किलोमीटर पर आ, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास यू की स्पीड आ जाएगी। और उन्होंने स्टिल वाटर पूछा है, तो स्टिल वाटर होता है मेरे पास यहाँ पे बी, बी इज इक्वल टू होता है डी प्लस यू बाई टू, सो वी कैन से 11 + 5/2 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। ए बस कैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर एंड देन ही टर्न फ्रॉम देयर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आर, फाइंड द एवरेज स्पीड। सो वी नो अगर एवरेज स्पीड का आपके पास अप्रोच होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको अप्रोच वाइज याद है, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। सो वी नो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 100 आ जाएगा नीचे, ऊपर ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 8 × 6 करेंगे 48 किलोमीटर पर आर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट फिर से मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ए से बी जाना है और ए से बी पर्सन गया और वापस आ गया, तो डिस्टेंस सेम है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम है, बट पंगा तब पड़ेगा अगर यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग आ गया फिर, या फिर उस पर्सन ने ये बोल दिया कि यहाँ से ए से बी गया और बी से सी आया फिर, या फिर ये बोल दिया जाएगा कि आपके पास ए से बी गया, आगे सी गया, फिर डी गया, मतलब अलग अलग कंसेप्ट आपके बनाए जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्लियर। सो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स किलोमीटर है, तो एक्स किलोमीटर जाएगा और एक्स किलोमीटर वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम। सो वी नो कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू द टाइम, अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू द टाइम। तो यहां से सिंपलीफाई करके आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ए सेल्स ए कार टू बी एट ए 10% लॉस। इफ बी सेल इट फोर रुपीज 540000 एंड गेन्स ए 20%, देन 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन 10% ऑफ द सीपी ऑफ द कार ए पास। ओके, तो 10% उसने बताना है ए का सीपी का क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी के लिए, तो बी ने उसको इतने का बेच दिया है,
तो बी ने उसको यहाँ पे इतने का बेच दिया है, कब 20% गेन के बाद, तो 100 के बदले में 20 का गेन हुआ होगा, तो 120 बी ने इंक्रीमेंट के बाद इसको बेच दिया 54000 एंड 0। इससे आप कट करेंगे ये हो जाएगा मेरे पास 6/5, इससे आप 6 को इससे डायरेक्ट आप कट करोगे ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 90,000, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का इनिशियल वैल्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 45, 7 में हमारे पास 4 GB। ठीक है, अब ये कब आया होगा, ये मेरे पास बी की वैल्यू है, बी ने इसके ऊपर खरीदा होगा, बट बी के पास कब आया होगा, जब ए ने इसको 10% लॉस के ऊपर बेचा होगा, तो ए ने 100 के बदले में 10 वैल्यू कम करने के बाद 90 के ऊपर बेचा होगा, तो दैट इज इक्वल टू 45 और साथ में 4 0, और ये से हमारे पास एक जीरो इससे कट कर लेते हैं, 9 इससे कट कर लेते हैं, आएगा 5,000, और ये ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये ए का सी पी आएगा। अब सी पी का उसने यहाँ पे 10% पूछा हुआ है, तो इसका 10% कितना होगा, 1/10, दैट इज इक्वल टू 50,000, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। याद रखना ऐसा भी क्वेश्चन पूछा होगा, पूछा जा सकता है कि सी पी क्या होगा, अगर सी पी पूछा होगा तो आपका आंसर सिर्फ यहीं तक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। A sum of rupees 12,000 was taken at a simple interest at some rate. Some rate we can say R. After 4 months, 6,000 more was added to the and the total principal was charged at a double the earlier rate of interest. At the end of the year, if the total interest was this, what was the initial rate of interest? ये सेम क्वेश्चन आपके 16 फरवरी के शिफ्ट में दिया हुआ है, मैंने करवाया भी हुआ है कल, अगर जिन बच्चों ने उस शिफ्ट को देख लिया होगा तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आप करके आए होंगे पेपर के अंदर। सो अभी इस क्वेश्चन को हम बेसिक से कर लेते हैं कि सम हमारे पास कितना है यहाँ पे 1200 पे। ठीक है, 12,000, इसके एक बार इसका थोड़ा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको आसान भी लगे। एक पर्सन कहता है कि मेरे पास कुछ पैसा है, उस पैसे को मैंने यहाँ पे लगाया और 4 महीने के बाद जो मैंने इसमें कुछ और पैसा यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का 1 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिला। आप सारे बच्चे समझो, जो पहला पैसा दिया था वो यहाँ पे 4 महीने के बाद चेंज थोड़ा किया, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा पूरा का पूरा साल तक, ये तो उसने 4 महीने तक है, उसके बाद 8 महीने इसके ऊपर लगाए होंगे अलग से, बट वो पैसा तो सेम ही रहा होगा ना यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, जो अलग से पैसा आया है उसके ऊपर आपको 8 महीने का अलग से इंटरेस्ट मिला होगा। इट मीन ये हुआ कि जिन बच्चों को फॉर्मूला आता होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम, अगर मैं इसका पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे 1 साल का ले लूंगा तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, पूरा का पूरा 1 साल मतलब 1 ईयर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो पहले साल का आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6,000 ज़्यादा, मतलब 12 के बदले में उसको यहाँ पे 6,000 ज़्यादा है, तो सिर्फ 6,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा, कितना, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 4 महीने के बाद है, तो टोटल आपके पास 12 महीने तक काम हुआ है, 4 महीने के बाद मतलब इसको 8 महीने तक मिला होगा, तो 8 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे ईयर डिवाइड बाय 100, तो दोनों का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आपके पास 2,500 रुपये आएंगे, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, अभी जिन बच्चों को कन्फ्यूजन आया होगा सर ऐसे कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, सारे बच्चे अंडरस्टैंड करो फिर से कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ पे 12,000 है, उसके ऊपर मैंने आर परसेंट कुछ लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय द टाइम, टाइम इज इक्वल टू 4 मंथ, तो 4 / 12 करेंगे तो ईयर डिवाइड बाय 100, तो पहले आपके पास इसका इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, प्लस 12,000 के बदले में 6,000 और ऐड कर दिया, 12,000 के बदले में 6,000 और ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 18,000 प्रिंसिपल, और ये ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बचे हुए 8 महीने के ऊपर डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करने हैं, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,800 रुपये। अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे बात एक ही है, आंसर आपका सेम का सेम आने वाला है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 00 से इस 00 को कट कर दो, 00 से 00 कट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला आपके पास जो है 00 होने के बाद ये 60 है, ये हमारे पास 10 और ये आएगा यहाँ पे 2 आपके पास इससे कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 120 आर प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास सिर्फ 8 ही बचा है, 8 × 10 करेंगे ये आएगा 80 आर, दोनों को ऐड करेंगे डेट इज इक्वल टू 200 आर इज इक्वल टू 2800। सो आर की वैल्यू यहाँ से पूछी है, दैट इज इक्वल टू 14%। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Find the number of integer between 1 and 100 having 4 as one of the digit but integer which are not divisible by 4. तो 4 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले 4 आएगा, 4 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसने पूछा है नॉट डिविजिबल बाय, तो 4 हमें काउंट नहीं करना। फिर हमारे पास आएगा 14, हाँ ये आपका काउंट किया जाएगा, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा इसमें 4 तो आएगा ही आएगा।
अंडरस्टैंड। सो नाउ इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, 24 आएगा, ये आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि 4 से डिवाइड है। फिर आएगा 34, फिर आएगा 44, ये आपका नहीं काउंट होगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे 40 भी आएगा, वो भी काउंट नहीं होगा। फिर आपके पास यहाँ पे 41 भी आएगा, 42 भी आएगा, 43, 44 तो लिख ही लिया, 45, 46, 47, 48, 49, एंड इसमें से ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका 4 से डिवाइड होता है, बाकी सारे तो काउंट होने वाले लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आएगा 54, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 64 जो काउंट नहीं होगा, फिर आएगा 74, फिर आएगा 84 जो काउंट नहीं होगा, फिर आएगा 94। सो हाउ मेनी डिजिट आर देयर विच आर नॉट विजिबल बाय 4, बट 4 इज एज ए इंटीजर, तो डिजिट आएगा वो यहाँ पे आएगा एज ए 4, बट वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 11, 12, तो टोटल 12 ऐसे डिजिट आएंगे 1 से 100 के बीच में, जो आपके यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं होंगे बट उसके एक डिजिट हमारे पास 4 होगा, ये होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, तो ये कल भी मैंने आपको बताया था और क्लॉक चैप्टर में भी बताया हुआ है, 30h - 11/2 ऑफ एम इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नंबर ऑफ मिनट एंड आवर हैंड। सो वी नो कि यहाँ पे 8:30 है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू 8 होगी और एम की वैल्यू यहाँ पे 30 होगी, तो फिल कर देंगे यहाँ पे 30 × 8 - 11/2 × m, क्लियर। सो दैट इज इक्वल टू 240, ये से कट कर देंगे यहाँ पे 15 और 15 × 11 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 561, और इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो 0 में से अगर 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 23, 23 में से अगर आप 16 को बाहर करोगे तो ये आएगा 7, तो 75 डिग्री आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए रोप बाय विच ए काउ मस्ट बी टेथर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे बी एबल टू ग्रेज एन एरिया ऑफ 9856 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे एक रस्सी से बांधना है तो और बोला गया कि इसको टैथर करना है, यहाँ पे रस्सी से बांध के रखना है और ये बोला गया कि इसको ग्रेज करना है एरिया ऑफ दिस, तो रस्सी की यहाँ पे लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया, और एरिया कितना ग्रेज करना है हमारे पास ये वाला, ठीक है। क्योंकि अगर हमने यहाँ से इसको यहाँ पे बांध लिया है काउ को, तो सारा का सारा एरिया ये वाला कवर करेगा ना एक सर्कुलर मोड के अंदर, अगर हमारे पास रस्सी इतनी है तो रस्सी इधर को यहाँ से ऐसे ऐसे भी तो घूमेगा ना वो, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सर्कल का एरिया जो है वो आपके पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9856। सो अगर हमारे पास यहाँ पे रस्सी की लेंथ पूछी जा रही है तो रस्सी का लेंथ यहाँ पे रेडियस ही होगा, सो पाई की वैल्यू आएगी 22/7 × r इज इक्वल टू 9856। सो यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ पे 4 और ये आएगा मेरे पास 9 2 एंड दैट इज 8। फिर 11 है, 11 की टेबल पे कट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 44 आ जाएगा, 52 फिर से यहाँ पे 4 जाएगा और ये आएगा 88, दैट इज 8। सो आर का स्केयर है तो आर का स्केयर आ जाएगा मेरे पास 448 × 7। सो 448 है, इसमें से अगर मैं 4 को कॉमन निकालूंगा 112 × 7 आ जाएगा, 112 में से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दैट इज 56 × 2 × 7 आएगा, 56 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4 × 56 है, इसको आप 4 बाहर निकालोगे तो अंदर बचे अंदर हमारे पास यहाँ पे 8 × 7 लिख लो × 2। सो मैंने ये ब्रेक करने का कि यहाँ पे लॉजिक समझाया कि हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है, अदरवाइज आप इसको ट्रैक्ट करना चाहो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे आर का स्केयर है, जब ये आर का स्केयर जाएगा इधर तो रूट हो जाएगा, तो 4 का रूट कितना होता है 2, और 2 × 8 करेंगे 16, 16 का रूट हो जाएगा 4, 7 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 × 7 करेंगे 56, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 1/8 ऑफ ए पी मनी, 1/8 ऑफ पी मनी इज इक्वल टू 1/10 ऑफ क्यू मनी। सो अगर मैं पी डिवाइड बाय क्यू लिखूंगा, यू आर 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/10 करेंगे 4/5, इसका मतलब है पी रेशियो क्यू कितना हो जाएगा 4:5। उन दोनों का जो सम है वो आपके पास गिवन है 9, विच इज इक्वल टू 1080, ये गिवन है। सो अगर 1 की वैल्यू पूछूंगा तो 9 इसे डिवाइड करेंगे 120 आएगा, उन्होंने पूछा डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस इनका कितना है यहाँ पे 1 ही तो है, तो आपका आंसर 120 होगा। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन 2D का बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको हर एक स्टूडेंट को बोला है कि सिर्फ मेंसुरेशन के 2D के बेसिक फॉर्मूले कर लो, जो कि CDS और FCAT में बार बार आते हैं। मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D के बहुत से आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले अगर स्केयर की बात करें, स्केयर हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है,
स्केयर के अंदर अगर हमारे पास 3 मीटर इसकी साइड है तो इस साइड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर साइड हमारे पास स्केयर के बेस के ऊपर है तो दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी यहाँ पे। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा साइड का स्केयर मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 300। और अगर इसका एरिया पूछेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे बॉक्स लगाने हैं और इसको पूरा फिल करना है। बट दोनों के एरिया में फर्क कहाँ पे आएगा, ये छोटा एरिया है तो छोटे एरिया के अंदर हम कितनी बार इस एरिया को ऐड करेंगे, मतलब कितनी बार यहाँ पे मार्बल रखेंगे कि वो एरिया इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 600 है, 600 आपका इससे कट जाएगा पूरा का पूरा दो बार, इससे कट जाएगा यहाँ पे 150 बार, तो नंबर ऑफ मार्बल कितने आएंगे, 150। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास इन ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% इन जीके एंड 64% इन बोथ। इफ 63% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनर वेयर। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर आपसे पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मैंने करवाया हुआ है वेन डायग्राम के अंदर। सबसे पहले आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि अगर मैं इनकी यहाँ पे और ऐसे इनकी यहाँ पे कंबाइंड डाटा की बात करूँ, पहले एक सर्कल दूसरा सर्कल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे जीके। सो जीके के अंदर टोटल 70% फेल हुए, पास हुए हैं सॉरी, और मैथ के अंदर यहाँ पे 73% पास हुए हैं। बट दोनों के अंदर पास कितने हुए, 64%। तो सबसे पहले आप उसी डाटा को फिल करते हैं, ये आपका वेन डायग्राम का रूल है। अब 64 तो हमने कंबाइन लिख दिया, टोटल है 70, तो 70 इसमें से माइनस करेंगे तो 6% आएगा। मैं रिपीट कर दूं, जीके में 70% पास हुए हैं बट जीके ऑनली में कितने पास हुए हैं, सिर्फ 6%। अब आपको समझ आएगा इन दोनों में फर्क, जैसे कि 64 तो हमारे पास यहाँ पे दोनों का कंबाइन है बट क्वांट के अंदर 73 है, 73 में से 64 को अगर बाहर करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ओनली आएंगे 9% जो पास होंगे, क्लियर, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 9% है ओनली मैथ वाले, 6% है ओनली जीके वाले, टोटल हो गया 15। दोनों में कंबाइन पास कितने, 64, तो 15 इसमें से ऐड कर लेंगे, दैट इज 9 एंड दैट इज 7। तो 79% ऐसा डाटा है जो कि हमारे पास पास हुआ है। मैं रिपीट कर दूं कैसे, ओनली जीके कंबाइन ओनली मैथ, ठीक है, ओनली मैथ और ओनली जीके एंड दोनों का कंबाइन 79% पास है, तो डेफिनेटली 21% क्या होंगे, फेल होंगे, क्योंकि ओवरऑल डाटा तो 100% ही होगा ना हमेशा। तो हमारे पास यहाँ पे 21% की वैल्यू आपके पास गिवन है 6300, सो 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 100, सो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 100, दैट इज 100 × 100 विच इज इक्वल टू 10,000। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको, कल तो काफी अच्छा लेवल क्वेश्चन था बट आज काफी आसान क्वेश्चन है, बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करते वैसे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर हम इसको कैसे करें, हमारे पास ये ऑप्शन, देखो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको आना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि हमने जो भी नंबर है उसके लिए सिर्फ लास्ट वाले 3 नंबर चेक करने थे, 3 नंबर के अंदर 0 तो वैसे नहीं चेक करेंगे। हमारे पास बच गया 9 और 5, 95 है, 95 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 एंड 5। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार और 8 लिख लूंगा तो मेरे पास 7 नंबर है, 7 नंबर अगर मैं इसमें से यहाँ पे क्या कर दूँ, बाहर कर दूँ, तो मेरे पास जो भी नंबर आएगा वो डेफिनेटली 8 से डिवाइड होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। जैसे कि आप इसमें से 7 नंबर बाहर कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 88, तो 88 मतलब 18088 आपके पास यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे और कोई भी डिवाइड माइनस करने पे ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जिन बच्चों को बेसिकली नहीं आता ये वाला, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि आप इसको यहाँ पे 8 से डिवाइड करो, यहाँ पर ये 2 बार चला जाएगा 16, 2 और 0 फिर से 2 बार चला जाएगा 16, फिर आ जाएगा 49, और ये हमारे पास 6 बार चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, फिर आएगा यहाँ पे 15, फिर 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 7 नंबर ऐसा है, अगर आप इसमें से बाहर करेंगे तो आपका ये नंबर डिविजिबल होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 7 को बाहर करना था, चाहे आप इससे कर लो आंसर आपका ये आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। ए बी इनकम आपके पास गिवन है ए रेशो बी, इनकी इनकम आपके पास गिवन है 5:3। आप इसको डायरेक्ट लिख लो कि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्स तो हो गई होगा, तो ये हमारे पास इनकम हो जाएगी यहाँ पे 5x/3x, ठीक है। हैड द इनकम मोर देन बाय 5 लाख रुपीज देन द रेशियो बिकम 5 एंड 4। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो इसको हम यहाँ पे 2 कंसेप्ट में इसको कम्प्लीट बनाते हैं। या तो ये हो सकता है कि ए की इनकम और बी की इनकम दोनों की इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है,
दोनों की अगर इंक्रीज होगी यहाँ पे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख इसमें ऐड होंगे, 5 लाख इसमें ऐड होंगे, तो इनकी रेशो कितनी हो जाएगी, इनकी रेशो हो जाएगी 5x 5/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और पूछा रहेगा कि ए और बी का सम बता दो, तो उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 5x/3x यहाँ पर ए और बी की इनकम है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 लाख रुपए ज्यादा होगी। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ बी की इनकम 5 लाख ज्यादा हो, क्योंकि ए वैल्यू तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे दोनों में सेम है। तो अगर ए की वैल्यू सेम है तो बी की वैल्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए ऐड होंगे और इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूछा रहेगा उसको आप कंपेयर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। ए कंटेनर कंटेन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इन विच देर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगर हमारे पास 20 लीटर है तो इसमें से 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका 10% कितना होगा, सिर्फ 2, तो 2 लीटर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बाकी बचा हुआ 18 लीटर यहाँ पे वाटर होगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड, यहाँ पे कितना हम यहाँ पे ऐड करें ताकि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 25% सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसके अंदर 25% अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा तो डेफिनेटली 75% तो वाटर ही रहेगा। सो आप इसको ऐसा भी तो कर सकते थे कि 75% की वैल्यू जो हमारे पास 18 लीटर यहाँ पे वही यहाँ पे होगी, तो 75% की वैल्यू 18 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि वाटर थोड़ा चेंज हो रहा है, ऐड तो सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है वो तो सेम ही रहेगा। अब 75% की वैल्यू अगर 18 लीटर है तो 25% की वैल्यू क्या होगी, इसका डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका डिविजिबल बाय 3 कर लेंगे, ये आपके पास 6 लीटर आ होगा। जिन बच्चों को नहीं पता तो 25% की वैल्यू हो जाएगी 18/75 × 25, यहाँ पे आएगा 6 लीटर। सो अभी के लिए सल्फ्यूरिक एसिड कितना है यहाँ पे, 6 लीटर, पहले कितना था 2 लीटर, तो कितना ऐड हुआ यहाँ पे 4 लीटर, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है कोई बच्चा इसको पहली बार देख रहा हो, उसको लग रहा हो कि यार ये तो पता नहीं डिफिकल्ट है, तो आई रिकमेंड फिर तोसी बैच लगाओ, आपको कम से कम नहीं तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार कर लेना वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी और ये भी आपको पता चलेगा कि वाई वी आर कंपेयरिंग दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रो, ये हमने अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया वो सेम टू सेम ही है। ए मैन स्पेंड 1800 पर मंथ ऑन द एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ and rupees 2000 per month for the next 8 months and save rupees this in a year, what is the average monthly income? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर। सम क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। सो 1800 पर मंथ है फॉर द फर्स्ट 4 मंथ, तो ये उसकी क्या है हमारे पास, एवरेज है। तो 1800 जो पहले 4 महीने की एवरेज है, तो उसका सम क्या होगा, उसका सम होगा यहाँ पे 1800 मल्टीप्लाई बाय 4। और ऐसे ही आपके पास जो सम ऑफ द नेक्स्ट 8 मंथ है उसकी एवरेज कितनी है, 2000 रुपये है। तो अगर उसकी एवरेज हमारे पास यहाँ पे 2000 है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, उसका सम आएगा। उसके बाद आ जाएगा इसके लिए सेविंग। सेविंग कितना कर दिया उन्होंने, 5600, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 करेंगे यहाँ पे 16000 आएगा, और यहाँ पे 18 × 4 करेंगे 7200 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आएगा 7 7 और 5 12 12 और 8 18, 1 कैरी चला जाएगा 28800। सो ये हमारे पास ओवरऑल सेविंग, ओवरऑल एनुअली हमारे पास आ जाएगा खर्चा एक पर्सन का, ठीक है, जिसमें सैलरी भी है, सेविंग भी है, सब कुछ है। सो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसकी एवरेज क्या, तो एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम हमारे पास आ चुका है 28800 डिवाइड बाय द नंबर। नंबर कितने होंगे इसके अंदर, 12 महीने, तभी तो ओवरऑल एवरेज आएगा। सो 12 से आप इसको कट करोगे, ये हमारे पास 24 है, तो यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, फिर आ जाएगा 48, तो दैट इज 4 टाइम एंड 00, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 2400 रुपये। क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे लास्ट 20 के ऊपर। ए सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन सच दैट द रेशियो इज ए बाई बी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको लिख देता हूँ पहले। ये आपके पास लिखा हुआ है कि ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 5:4, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी इज गिवन, फाइंड द सम ऑब्टेन्ड बाय डी, तो डी के पास कितना पैसा होगा, ये आपसे पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। बस यहाँ पे वैल्यू 2:3 होंगी, बाकी वैल्यू आपके पास थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ए बी सी और डी, तो ए और बी की रेशियो कितनी है, 5:4, बी और सी की रेशियो भी वही है, और सी और डी की रेशियो भी वही है। तो इसके लिए आपको पता होगा, याद आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, पड़ोसी मेथड।
जैसे चार है तो इसका यहाँ पे फोर ही आएगा साथ वाला, फोर का सब पड़ोसी कौन है, यहाँ पे कोई नहीं, तो यहाँ पे फोर होगा, फोर का पड़ोसी कोई भी नहीं फोर होगा, फाइव का पड़ोसी कोई भी नहीं फाइव होगा, तो फाइव के साथ कुछ भी नहीं है तो फाइव फाइव होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 125, 25 इंटू चार करेंगे 100, और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 20 इंटू चार करेंगे 80, और 4 इंटू चार 16 इंटू चार करेंगे 64। उन्होंने यहाँ पे गिवन है हमारे पास यहाँ पे ए और सी का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 45, तो 45 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 2250, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी इससे कट कर लेंगे हमारे पास 90, 180 और 50 आएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा हुआ है सम ऑब्टेंड बाय डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 × 64, दैट इज इक्वल टू 3200। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन चलते हैं अभी नेक्स्ट के ऊपर। आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर 18 फरवरी के वाले कंसेप्ट के ऊपर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्वाइन करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।